हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इनफोकस विजन 3 अनबॉक्स कर रहे हैं। ये एक बजट फ़ोन है जो कि फुल विजन डिस्प्ले के साथ आता है। ये है आपके सामने विजन 3। तो बॉक्स खोलने से पहले देख लेते हैं कि इस मोबाइल में फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। 18:9 फुल विजन डिस्प्ले है, 82.4 स्क्रीन रेशियो है, और ये देखिए अब 2GB और 16GB वर्जन है, जो कि रैम 2GB आजकल के हिसाब से कम है। 16GB इंटरनल मेमोरी भी फ़िलहाल आज के हिसाब से तो थोड़ी कम है। और ये MRP है 7999 का MRP लिखा है, लेकिन ये 6999 का आपको मिल जाएगा Amazon पे, यानी 7000 में आपको ये फुल डिस्प्ले वाला हैंडसेट मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। और हम ये बॉक्स जब तक खोलते हैं, ये है इनफोकस विजन 3। ऊपर एक प्लास्टिक लगी हुई है, इसको साइड में रख देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर जैसे कि ये हर मोबाइल में आता है, वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और ये है माइक्रो USB चार्जिंग एंड डेटा सिंक कॉर्ड, ये केबल है जिसे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। और ये है पावर अडाप्टर, स्मॉल है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी कितना एम्पियर का है देख लेते हैं, पहले इसका ब्रांडिंग देख लेते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छा है, और इसके अंदर आपको 1500 मिली एम्प का आउटपुट है, यानी कि ठीक है, नॉट बैड, लेकिन 2 एम्पियर का कम से कम होना चाहिए था। ये 1.5 एम्पियर का चार्जर है, और ये है जो आप देख रहे हैं सिम इजेक्टर टूल है। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, आजकल का जैसा ट्रेंड हो चुका है हैंड्स फ्री नहीं देते हैं, तो इसमें भी हैंड्स फ्री नहीं मिलेगा। तो ये आ गया है हमारा मोबाइल, पहले तो इसे देख लेते हैं ऊपर नीचे हर जगह से कि कैसा मोबाइल है। ये पावर बटन है, ये है चलिए ये प्लास्टिक निकाल देते ऊपर से, मैंने मोबाइल स्टार्ट कर दिया है। इनफोकस का ब्रांडिंग है, बहुत ही सिंपल ब्रांडिंग है। इनफोकस के वैसे ज़्यादा मोबाइल्स इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये एक मोबाइल मुझे बहुत अच्छा लगा है लुक वाइज, लेकिन स्पेक्स थोड़े से कम है, थोड़े रैम और थोड़ा सा इंटरनल मेमोरी और होता तो ये मोबाइल बहुत अच्छा होता। फ़िलहाल बजट में सब कुछ एक साथ नहीं दे सकते हैं। 7000 रुपये में आपको फिंगरप्रिंट, फुल व्यू डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा, इतना सब कुछ मिला है। ये स्पीकर फ़ोन का जो साइज़ दिया हुआ है पीछे की तरफ है, ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। पीछे 2 कैमरे का सेटअप है, और ये LED फ्लैश लाइट है, और इस पे नोटिस लिखी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सार वैल्यू वगैरह, वैसे ये स्पीकर मुझे कुछ ज़्यादा कुछ जमा नहीं। ये नीचे की तरफ में है माइक्रो USB पोर्ट है, ऊपर को है 3.5 mm ऑडियो जैक है, ये आप शायद देख पा रहे हैं क्लियर है या नहीं, देख लेते हैं। ओके, अभी क्लियर है। तो ये पावर बटन है, पावर बटन के ऊपर है सिम कार्ड ट्रे, और इस तरफ में है वॉल्यूम बटन। ये एंटीना लाइंस ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो सिंगल रिसेप्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको निकाल देते हैं।
निकल नहीं रहा है, ज़्यादा अच्छे से चिपकाया हुआ है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, इससे पहले मोबाइल सेटअप कर लेते हैं। इस मोबाइल को आप अपनी ही लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी आपके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वाईफाई है तो वाईफाई का एक्सेस दे दो ताकि नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें से डाउनलोड हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपडेट आया हुआ है और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं मोबाइल, ताकि सारे ऐप्स जो है उसी हिसाब से कस्टमाइज हो जाते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो ये मोबाइल हमारा सेटअप हो चुका है। बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं है, ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है। कुछ ऐप हैं जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं वही हैं इंस्टॉल, बाकी के ऐप्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये 16 GB का वर्ज़न है जिसमें आपको तकरीबन 9 GB इस्तेमाल करने का मिलता है और 2 GB रैम में आपको, एक मिनट देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ये एंड्रॉयड नॉगट पे है और इसके अंदर आपको देख सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटिव बटन्स नहीं है, जो है वो सॉफ्ट कीज़ हैं जो डिस्प्ले पे ही हैं। ये पीछे से आप देख लीजिए मोबाइल, पीछे आपको डुअल सेटअप कैमरा, एलईडी फ्लैश, फिंगरप्रिंट, इन फोकस का ब्रांडिंग और ये स्पीकर जो मैं आपको बता रहा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। और ये है एंटीना लाइन्स ऊपर और एक ये नीचे, जो कि कॉल क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो है फ्रंट का स्क्रीन है, फ्रंट में आप ये जो देख रहे हैं ये आप सॉफ्ट कीज़ को डिसेबल भी कर सकते हैं, मतलब वो हाइड हो जाता ऑटोमेटिक। और ये एक ही स्क्रीन पे सारे ऐप्स हैं। को स्वाइप करो और स्वाइप करने के बाद में आपको जो हिडन सॉफ्ट कीज रहते हैं वो नजर आ जाएंगे। तो सेटिंग में आ गए हैं, सेटिंग में आपको दिखा देते हैं अबाउट फोन में आपको क्या क्या मिलता है। ये 4 कोर वाला मीडियाटेक का प्रोसेसर है, MTK6737H क्वाड कोर 1.3 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ, आर्म माली 720 का GPU है और 2 GB का इसके अंदर रैम है। ये 16 GB में से आपको 9.1 GB इस्तेमाल करने को मिल रहा है। और डिज़ाइन वाइज ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन के अगर मामले में जाते हैं तो डिज़ाइन बहुत ही लुक अच्छा है। इसके अलावा सेटिंग में और देख लेते हैं क्या है। ये स्पेशल सेटिंग है, स्पेशल सेटिंग में ऐप ट्विन्स है, यानी कि आप कोई भी ऐप को दो ऐप बना सकते हो। जो अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डुअल इस्तेमाल करना चाहते हो, दो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे आजकल डुअल सिम कार्ड के साथ में डुअल ऐप भी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं खुद 2 सिम कार्ड के साथ में 2 ऐप यूज़ करता हूँ, 2 व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है।
और यहाँ से आप सॉफ्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि बैक बटन जो है अगर लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा मुर्गा पागल हो गया है, पीछे से आवाज़ दे रहा है। सुबह के 4 नहीं बज रहे हैं, ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, और सॉरी 4:17 हो चुके हैं। और इसके अंदर स्माइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि इनफोकस का अपना वो है, जैसे रेडमी का MIUI है वैसे इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नोगट एंड्रॉयड 7.0 पे बेस्ड है। और मोबाइल साउंड क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। और इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ, इसमें फेस आईडी रिकॉग्निशन फीचर आने वाला है, यानी कि अगले सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको फेस अनलॉक, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट वगैरह की ज़रूरत नहीं, आपका चेहरा देख के आपका मोबाइल अपने आप खुल जाएगा जैसे कि आईफोन में है। बहुत जल्दी ये फीचर आने वाला है और ये कम बजट में ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये कैमरा है, और मैंने कैमरा बाहर चेक किया था और कैमरे का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बाकी इंडोर्स में तो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आउटडोर में ये कैमरा काफ़ी अच्छा है। एट पार अगर आप कंपैरिजन करेंगे रेडमी या किसी भी बजट फ़ोन से तो ये उनसे कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकता हूँ लेकिन कम भी नहीं बोल सकता हूँ, एट पार है, एकदम 19-20 ही है। और इसके अंदर आपको जो है बहुत सारे कैमरे के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेल्फी के लिए, या डुअल फाई जो आजकल चल रहा है चलन, आगे पीछे दोनों कैमरा, वो मैंने चेक नहीं किया फीचर्स ये कैसे काम करता है, ये बाद में मैं चेक करूँगा अगर मेरे पास मोबाइल एक दो दिन रहेगा तो। सेल्फी के साथ में आप ये एक ही फ़ोटो में 4-4 फोटोज़ ले सकते हैं, जो कि करंटली आपको ऐसे फ़ोटोज लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज पे हमेशा रखा रहता है, जबकि आपको ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर्स सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है तो काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा कैमरे के लिए। और इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 की बैटरी है, 4000 मिली एम्प की बैटरी है, और इसका डिस्प्ले साइज है 5.7 फुल HD, HD प्लस है एक्चुअली। 5.7 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद ये हाथों में इतना बड़ा नहीं लगता है, ये आपको होल्डिंग एक्सपीरियंस 5.2 इंच के मोबाइल जैसा ही लगेगा। और इसमें आपको जो रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का जो पीछे जो कैमरा है वो 5P लेंस वाला कैमरा है, जो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 4P लेंस का कैमरा है। तो मेरे ओपिनियन में इनफोकस विजन 3 फुल डिस्प्ले वाला मोबाइल जो कि 7000 रुपये में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया गया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले कुछ हैवी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया है, हाई एंड मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपने कभी हैवी मोबाइल इस्तेमाल किया है, हैवी यूजेस वाला, हैवी फीचर्स वाला, तो ये आपको थोड़ा सा कम लगेगा उसके मुकाबले। लेकिन आपको अगर पहला स्मार्टफोन है या तो थोड़े स्मार्टफोन है आपके पास में, कोई सैमसंग वगैरह पुराना मॉडल है उससे अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसमें गेमिंग वगैरह के लिए अगर जाना चाहते हैं तो गेमिंग वगैरह के लिए मत जाइए, क्योंकि गेमिंग में आपको जो GPU वगैरह दिया है, प्रोसेसर दिया है, वो इतना गेमिंग का लोड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बाकी आप एंटरटेनमेंट के लिए और कॉल के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये मोबाइल ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये मोबाइल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप नीचे दिए हुए लिंक से ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं भी पसंद आया है तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको नए नए मोबाइल्स के बारे में बता सकें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हो सकता ना भी आया हो तो भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद।